सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा सफल है। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चेत लाए, जे को करे चेत लाए। सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा। मन चिंदिया फल पामना, मन चिंदिया फल पामना, आओ मैं बिचों जाए, हाँ मैं बीचों जाए, हाँ मैं बीचों जाए। सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा सफल है। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चेत लाए, जे को करे चेत लाए। सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा। इस जग में नाम अलंब है, गुरमुख बसे मन आए, इस जग में नाम अलंब है, गुरमुख बसे बसे मन आए, गुरमुख बसे मन आए। सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा सफल है। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चेत लाए, जे को करे चेत लाए। सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा।
बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे राहे समाए बंधन तोड़े मुक्त होए सच्चे राहे समाए सच्चे राहे समाए सच्चे राहे समाए सतगुर की सेवा 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 सफल है सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए को करे चित लाए सतगुर की सेवा सतगुर की सेवा सतगुर की सेवा सतगुर की सेवा नानक जो गुर सेवे अपना हाँ तिन बलिहारे जाओ नानक जो गुर सेवे अपना तिन बलिहारे जाओ आओ तिन बलिहारे जाओ आओ तिन बलिहारे जाओ सतगुर की सेवा 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 सफल है सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए जे को करे चित लाए सतगुर की सेवा 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 सफल है सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए मन चिंदिया फल पावना हम मैं विचो जाए हम मैं विचो जाए सतगुर की सेवा सफल है बादशाह ए शब्द अंदर इस गुरबाणी अंदर आख रहे ने कि गुरसिख तू अपने गुरु की सेवा करनी है न अपने गुरु की चाकरी करनी है ता अपना पूरा मन ला के पूरा चित ला के सेवा कर ले बादशाह आख रहे ने तेनू मंगण की लोड़ नहीं रहनी जदों तू अपना पूरा मन करके चित ला के अपने गुरु की सेवा कर ली तां पातशाह आख रहे ने
तेरे मन विचों हौमे हंकार दूर हो जाने। ते जदों हौमे ते हंकार दूर हो गया ना मन चो, ता बादशाह आख रहे ने मन चिंदिया फल पावना हौमे विचों जाए। सारे मनो चिंदिया फल प्राप्त हो जाती है। तो बादशाह उच्चारण कर रहे ने सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना हौमे विचों जाए। सतगुर की सेवा सफल है सतगुर की सेवा सफल है। बादशाह ने गुरबाणी अंदर एक उदाहरण दिती है, आख्या है बादशाह ने कि सेवा करनी है ना तू ता एवें लोक दिखावे दी खातर सेवा नहीं करनी। बादशाह ने आख्या है कि तू आखे कि लोक आखन कि ये बहुत बंदा चंगा हर रोज गुरुद्वारे जांदा है, जोड़ियां दी सेवा करदा है, बर्तना दी झाड़ू दी, जा एवें लोग दिखावे दी खातर पातशाह आख रहे ने सेवा नहीं करनी, जा किसे वल वेख के सेवा नहीं करनी। पातशाह ने आख्या जा एवें लोग दिखावे खातर जा किसे वल वेख के सेवा कर लेनी ते हिरदा शुद्ध नहीं है। पातशाह आख रहे ने सेवा नहीं परवाह। पातशाह ने गुरसिख नू आख्या गुरसिख भावें तू किसे वल वेख के ही सेवा करें, भावें किसे दी रीस नाल अपने गुरु दी सेवा करें, पर तेरा हिरदा शुद्ध होना चाहिए। जे हिरदा शुद्ध है ना तो सेवा थाए पै जाती है। पातशाह गुरबाणी दे अंदर उच्चारण कर रहे ने देखा देखी सब करै मन मुख बूझ न पाए, देखा देखी सब करै मन मुख बूझ न पाए, जिन गुरमुख हिरदा शुद्ध है सेवा पई सब थाए, सेवा पई सब थाए। सतगुर की सेवा सफल है, सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। ते सेवा कीती सी, चाकरी कीती सी, इतिहास दे विच आउंदा है कि एक जलंधर दा सूबेदार होया है, मुसलमान पठान होया है, बड़ा नेक दान पुन करन वाला धर्मी बंदा होया है, सारे धर्मां दा सत्कार करदा सी। इतिहास विच लिखे है कि उन्हें 3 शादियां करवाईयां, 3 ब्याह करवाए, पर कोई औलाद नहीं होई, संतान नहीं होई। औलाद दी खातर, संतान दी खातर 4th शादी करवाई ते अपनी नवी व्याही बेगम नू नाल लेके ओ लाहौर गया साईं मियां मीर जी दी दरगाह ते जाके बेनती कीती के साईं जी मैं औलाद दी खातर 4th शादी करवाई है, 4th ब्याह करवाया, हुण तां उस अल्लाह ताला अगे करो कोई दुआ, करो बेनती सानू औलाद प्राप्त होवे, संतान प्राप्त होवे। तां साध संगत साईं मियां मीर, ओ साईं मियां मीर जिन्हां नू सारा इस्लाम मत पूजदा सी, सारी दुनिया दे मुसलमान उन्हां दी पूजा करदे सन, अखां मीटियां
ते जलंधर दे सूबेदार नू आख दिता। आख्या के जाओ जिन्नियां मर्जी शादियां करवाई जाओ, जिन्ने मर्जी ब्याह करवाई जाओ, पर तुहाडी तकदीर विच करमां विच औलाद लिखी नहीं। ता साध संगत जदों जलंधर दे सूबेदार ने ओदी बेगम ने साई मियां मीर जी दे ए बचन सुने, इन्ना मन निराश होया, इन्ना मन उपराम होया, कहिंदे हुण होर किते जाण दी लोड़ ही नहीं है। जदों साई मियां मीर ने जवाब दे दिता है ना, तां किते जाण दी लोड़ नहीं, इन्ना मन उपराम है, वापस मुड़े आ रहे है। वो जलंधर दा सूबेदार शाही काफले समेत जदों वापस मुड़िया आ रहा है ना जलंधर वाल, तां साध संगत रस्ते विच श्री अमृतसर साहब आना ही सी। ते जदों श्री अमृतसर साहब आया है तां उहदी नवी व्याही बेगम जिसका के पेकियां दा घर एक गुरसिखां दे घर दे बिल्कुल नाल सी, वो अपने सूबेदार पति नूं कहण लगी कि इत्थे गुरु नानक दा घर है, गुरु नानक दी गद्दी है, ते आपां इत्थे आए होए हैं, ते क्यों ना आपां इत्थे भी सजदा कर चलीए, इत्थे दुआ कर चलीए, भला जे अपनी सुनी जावे। बड़ा नेक बंदा सी, सारे धर्मां दा सत्कार करदा सी, कहिंदा चलो इहदे विच की हर्ज है, इत्थे भी दुआ कर चलदे हैं, सजदा कर चलदे हैं। दरबार साहब दे बाहर काफला उतरे है, वह जलंधर दा सूबेदार अपनी नवी व्याही बेगम नू नाल लैके नंगे पैरी जदों परकरमा दे विच दाखल होया है ना साध संगत, तां अगे की हो रहा है। ब्रह्म ज्ञानी धन धन बाबा बुढ़ा जी सरोवर की कार सेवा करवा रहे सन, ये जेड़े अजकल महापुरश जो भी कार सेवा करवा रहे ने ना, ये बाबा बुढ़ा जी की परंपरा तोरी हुई है, कार सेवा करवा रहे सन। ते जदों जलंधर दे सूबेदार नू अपने वल आउंदा वेखिया, उहदी बेगम नू बाबा जी ब्रह्म ज्ञानी सन, अंतरयामी सन, उच्ची उच्ची ऐलान करन लग पए कि जेड़ा अज एक टोकरा सरोवर चों गार दा भर के बाहर सुट्टेगा उहदी एक इच्छा पूरी होवेगी। बाबा जी बार बार ऐलान कर रहे ने, बार बार हुक्का दे रहे ने, ते जदों जलंधर दे सूबेदार ने सुनिया ये ऐलान, अपनी बेगम नूं कहिंदा भागवाने साईं जी नूं आपां मत्था फेर टेकांगे, सिजदा फेर ही करांगे, पहलां इहो कम कर चलदे हैं। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, क्योंकि भुख सी ना औलाद दी संतान दी, अपने शाही कपड़िया समेत सरोवर दे विच उतरे है, एक टोकरा गार दा भरे है, बाहर सुटे है, मन विच कामना कीती कि हे गुरु नानक अल्लाह ताला साडे घर एक पुत्र होवे। तां साध संगत जदों एक पुत्र मंग लिया ना, तां मन विच लालच आ गया, कहिंदा एक टोकरा होर गार दा भर के सुट देने है, एक पुत्र होर मंग लैने, दूसरा टोकरा भी गार दा भर के सुटे है, दूसरा पुत्र मंग लिया, फिर मन विच विचार आई, कहिंदा कि दो नाल की बनना है, मेरी सूबेदारी बहुत वड्डी है, तीसरे की भी सेवा कीती, तीसरा पुत्र मंग लिया, पर फिर मन विच वहम आ गया, कहिंदा तैन उस तरह चंगे ही नहीं हुंदे, चार चाहिए। साध संगत चौथा पुत्र भी सेवा करके मंग लिया, ते दूर खड़ी बेगम वेख रही है, कहिंदी पति जी ने चार टोकरे गार दे भर के सुटे ने, चार पुत्र ही मंगे होने हैं, धी तां मंगी नहीं होनी, वह भी सरोवर दे विच उतरी, एक टोकरा गार दा प्रवाया ते बाहर सुटे है, मन विच कामना कीती है अल्लाह ताला गुरु नानक जे साडे ते तुठे उहना मेहरबान हो तां साडे घर एक धी भी पैदा होवे। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तां साध संगत
जा के दोनों जिया ने बाबा बुढ़ा जी के चरणा ते मथा टेकिया। ते बाबा जी ने आख दिता है कि जाओ गुरु नानक दे घर विच तुहाडी फाइल तैयार है, दरबार साहिब दे विच सतगुरु पातशाह बैठे ने, ते जाके मोहरां लवा लियाओ। जदों पातशाह दे जाके चरणा ते मथा टेकिया है, दस्या है कि बाबा जी ने तुहाडे कोल भेजी है, उन्होंने आख्या फाइल तैयार है, मोहरां लवा लियाओ। ते पातशाह ने आख्या कि बाबा बुढ़ा जी ने वचन कीता है ना, आख दिता है जाओ, मोहरां उदों ही लग गई सन जदों बाबा बुढ़ा जी ने ऐलान ही कर दिता सी, प्यार नाल आखो सतनाम। साध संगत ऐसा सेवा का फल मिलया, वो जलंधर दे सूबेदार दे घर चार पुत्र अते एक धी पैदा हुई। पातशाह आखरे ने गुरसिख ऐसी सेवा कर लै जिस सेवा ते तेरा गुरु तेरे उते प्रसन्न हो जावे। सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चेतनाए, जे को करे चेतनाए। सतगुर की सेवा, सतगुर की सेवा।